सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का बेटा वर्जन आ चुका है, ठीक है। तो उसमें आप किस तरह से आपका डाटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, अकाउंट ट्रांसफ़र कर पाएंगे, वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें एक गिलिच सा होता है तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये अकाउंट मतलब ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपके फेसबुक इंस्टा जिससे भी आपको लॉगिन करना है वो लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद वो आपसे क्या पूछेगा, आपका कैरेक्टर चूज़ करने का पूछेगा, आपको क्या मेल फीमेल बनना है या नाम देना। अब ये मत सोचिए कि यही नाम आपकी आगे रन होगा, नहीं। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके आपको कुछ नहीं, सिंपली कोई भी नाम रख लेना है। जैसे कि मैं अपना ट्राई कर रहा था, कुछ ना कुछ नाम रखा हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये मैं ट्राई कर रहा था चीज़ें, मेरे को कोई पता नहीं था कि इसी तरह से होगा। तो मैं पहले रखने की कोशिश कर रहा था, कहीं अगर भविष्य में ये नाम आ जाता है तो यही रह जाए, इसलिए मैं कोई भी नाम रखने की कोशिश कर रहा था। जैसे ओजा जी रख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ओजा जी रखा, देन उसके बाद मैंने रन कर दिया उसको। आगे रन होने के बाद थोड़ा लोड हुआ, उसके बाद उसने मेरे को एक मैसेज दिया कि ये इंडिया के लिए है, ठीक है, और ये इंडिया में खेला जाएगा। उसके बाद उसने ऑप्शन दिया था कि आप अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहेंगे अकाउंट का डाटा, तो यस मैंने यस कर दिया। उसके बाद वो मेरे को एक वेब पे ले गया जहाँ पे उसने पूछा कि आप एफबी या ट्विटर किससे अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहें, तो मैंने एफबी से कर दिया। देन अकाउंट ट्रांसफ़र होने के बाद उसने किया, अगर आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो आप यस कर दीजिए। जैसे मैंने यस किया, फिर वो ऑटोमेटिकली लोड होता है, और इस तरीके से जो मेरा मर्जिंग ऊपर लिखा है, तो जो मेरा पूरा डाटा है, मतलब जो उसका था, अपने पबजी का था, वो अब अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में आ चुका है पूरी तरीके से। और अब आप इसका मीन्स आन मज़े ले पाओगे, आपको इसमें कुछ नहीं, थोड़ी सी लोड होगा, थोड़ा मीन्स जो मर्ज हो रहा है आपका डाटा वो होगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है। सर हाँ, मैंने लॉगिन कर लिया था, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थोड़ी देर के लिए। लॉगिन करने के बाद आप इस तरह से देख पाओगे, ये मेरा पुराना ओल्ड वर्जन ही है, सारी चीज़ें जो भी है, मेरे कपड़े वगैरह भी सारे आ चुके हैं, ये नोटिस आया हुआ है आपकी पिंग वगैरह के लिए जो सर्वर है वो नीचे इंडिया लिखा आ रहा है, ठीक है। ये डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी, और उसके साथ बेल आइकन दबाना, ठीक है, जिससे नया वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा।